हेलो राम राम मेरे सारे भाई। तो देखो गाइस, यहाँ फ्री फायर के अंदर एक नया इवेंट आ चुका है जिसके अंदर आपका पुराना बुइया बंडल रिटर्न में आ चुका है। अब देखो गाइस, बुइया बंडल तो रिटर्न में आ चुका है, लेकिन क्या इसके अंदर आप लोगों को स्पिन करना चाहिए या नहीं, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास 600 डायमंड है और गाइस मैं आगे भी कुछ डायमंड टॉप अप करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना डायमंड इसमें अप्रॉक्स लगने वाला है। तो गाइस बिना किसी देरी के हम लोग पहला 200 का स्पिन कर देते हैं। और गाइस आपको बता दूं कि इस इवेंट में कितना डायमंड लगेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। लेकिन गाइस सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस मैं डेली स्ट्रीम करता हूं जहां पर गिल्ड टेस्ट लेता हूं, तो गाइस अगर आप लोगों को गिल्ड टेस्ट देना है तो आ जाना। तो गाइस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेरे को पहले स्पिन में खाली 17 टोकन मिला बे, और उसके बाद मैंने दूसरा स्पिन भी किया है और यहां पर देखते हैं कि क्या मिलता है। तो गाइस यहां पर डायमंड हमारा खत्म होने वाला है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं फिर से टॉप अप कर लूंगा। और यहाँ पर भाई स्पिन पे स्पिन किया, बट यहाँ पर यार खाली टोकन पे टोकन यार, कुछ और दूसरा चीज ही नहीं मिल रहा। और टोटल गाइस देखो खाली टोकन ही दिया। लेकिन गाइस कसम से बताओ तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को बहुत सारे टोकन से डायमंड लगने वाले, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके टोटल लगभग 3 से 4 हजार डायमंड के आसपास रखना, तभी स्पिन करना, नहीं तो स्पिन मत करना। क्योंकि इसके बाद भी अगर तुम स्पिन करते हो तो हो सकता है कि तुम्हें बंडल भी ना मिले और तुम्हारे के पूरे लग जाए भाई। क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको 400 टोकन मांगा जा रहा है, यानी कि 4000 डायमंड के आसपास आप लोगों के लगने वाले, ये इतना रखना ठीक है। और गाइस मैं वापस से यहाँ पर टॉप अप करके आ चुका हूँ, तो इवेंट के अंदर जाते हैं गाइस यहाँ पर और फिर से स्पिन करते देखते कि क्या ही मिलता है हमें। मैंने गाइस देख रहे आप लोग देखना, पहले 600 डायमंड था और यहाँ पर 1000 डायमंड फिर से आया है ठीक है। आप लोग देखते जाओ कितना कितना डायमंड यहाँ पर लग रहा है मेरा, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो यार 994 डायमंड अभी मेरे पास है और 1200 का स्पिन मैंने मार दिया है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, और खाली टोकन दिया भाई, इस बार देखते कितना टोकन मिलता है। तो गाइस यहाँ पर टोकन मिल चुका है फिर से, और एक गन स्किन मिली है गाइस यहाँ पर मेरे को, ठीक है चलो भाई कुछ तो दिया यार। यहाँ पर 67 टोकन गाइस अपने पास आ चुका है फिर से। गाइस मैंने यहाँ पर स्पिन किया है 200 डायमंड का, और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर खाली टोकन ही टोकन मिल रहा है गाइस यहाँ पर, और भाई इतना टोकन भाई यार इसको क्या भाई, एक बंडल दे दो यार, कम से कम 100 टोकन मिलेगा। और गाइस जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, अगर फंसा हुआ बंडल तुम्हारे को वापस से मिलेगा, तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को याद रखना कि फंसा हुआ बंडल अगर तुम्हें वापस मिलता है तो 100 टोकन भी मिलेगा ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ 3500 से 3000 डायमंड के स्पिन होगा तभी करना, नहीं तो भाई छोड़ दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि भाई इसमें बहुत डायमंड लग रहा है, देख रहे हो तुम लोग, लगभग सारे यूट्यूबर्स का काटा है भाई यहाँ पर, देख रहे हो गाइस यहाँ पर 10 टोकन, चलो इस बार 10 टोकन मिला, लेकिन भाई कुछ फ़ायदा नहीं, 110 ही टोकन है भाई। अगेन चलो गाइस यहाँ पर हम लोग 200 डायमंड का स्पिन करते हैं, और यहाँ पर यार फिर से वही टोकन ही टोकन भाई, क्या बोलूँ यार इतना टोकन भाई। अभी 1600 डायमंड के आसपास मैंने खर्च कर दिया है गाइस यहाँ पर, फिर से टोकन ही टोकन, खाली टोकन मिल रहा है भाई, क्या बोलूँ यार। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर टोकन हुआ तो क्या हुआ, चलो देखते हैं हम लोग, टोकन रहेगा फिर भी निकालेंगे गाइस, इस बंडल को निकाल के रहना है। और गाइज आप लोग से नहीं निकलने वाला, मैं तो यही कहूँगा 3000 डायमंड, 3500 डायमंड या 4000 डायमंड आपका फिक्स है लगना। तो चलो गाइज यहाँ पर आप लोग देखते जाना, 200 डायमंड मेरे पास पहले साथ, फिर से मैंने 400 डायमंड यहाँ पर खरीद लिया है, यहाँ पर से ले लिया है, वहाँ पर से वॉल्ट के अंदर से क्लेम कर लिया है। तो टोटल गाइज यहाँ पर 2000 डायमंड यहाँ पर मेरे लग चुके हैं, और यहाँ पर देखो यार अभी भी 141 टोकन ही है। तो गाइज फिर से स्पिन करते हैं हम लोग, देखते कि क्या होता है। यहाँ पर 200 डायमंड का स्पिन कर दिया है, और भाई 20 का स्पिन किया इस बार ठीक है, एक दो बार 20 का भी चलता है, इस बार मेरे को कमी टोकन मिला, फिर से 20 का स्पिन करते हैं और उसके बाद 200 के स्पिन करेंगे। तो भाई यहाँ पर फिर से यार हक दिया भाई, इतना कौन भाई स्कैम है भाई, पूरा स्कैम है, पूरा इवेंट ही स्कैम है भाई। इसमें कसम से अगर स्पिन कर रहे हो तो भाई 3000 से कम तो सोचना भी मत, 3500 डायमंड तो उससे कम सोचना भी नहीं कि तुमको 3500 से कम डायमंड में मिलने वाला है। यहाँ पर गाइस देखो यार इतना ही स्पिन करके दिखाऊंगा, ये बंडल तो मैं बाद में निकाल लूँगा गाइस, क्योंकि मेरे को एंड तक 14 दिन तक अभी इवेंट है, तो मेरे को उसमें से टोकन डायमंड मिल जाएगा। और गाइस आप लोग अगर स्पिन करना चाहते हो तो ब्रो आपके पास 3500 डायमंड तक होना चाहिए ही चाहिए भाई। और क्योंकि गाइस मेरा मंथली चल रहा था, तो भाई उसमें से मेरे को डायमंड मिल जाएगा और मैं इसको निकाल लूँगा भाई। कसम से यार भगवान करे कि मेरे को बाद के बचे हुए 1400 डायमंड के अंदर निकल जाए, क्योंकि हो सकता है कि यार कुछ ना निकले यार, कुछ स्कैम विस्केम हो जाए। लेकिन गाइस यार मैं ट्राई करूँगा कि उसके अंदर ही निकल जाए। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये लास्ट स्पिन है गाइस 200 के, और देखते हैं कि क्या मिलता है इसमें। गाइस यार एक भी बंडल नहीं दिया, कसम से यार 2000 भाई खा गए भाई ये ग्रेना यार, इतना बोलो क्या बोलो यार अब। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हमने स्पिन कर दिया था, इतना स्पिन करने के बाद भी नहीं निकला, तो आप लोग समझ जाओ क्या ही लक चल रहा है भाई। तो फिर ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और स्ट्रीम पर ज़रूर से आना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।